सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आए हुए थे यहाँ NBC कैफ़े, जो कि मोस्ट फेवरेट है हमारी, हम दोनों की, इवन मेरे फ्रेंड की और मेरी, और हम हमेशा यहाँ आते हैं और हमेशा हम ये गेम ज़रूर खेलते हैं। पर बैडली ये भी ड्रॉ हो गया था। और फिर इसके बाद में हम लोग गए थे एक और कैफ़े, द क्रिप्टो डोर, और वहाँ हमने थोड़ा सा खाना खाया, लाइक चाउमीन वाउमिन खाई। आई थिंक क्रिप्टो डोर हर्सल लेन में है, आई थिंक आप लोग जो दिल्ली से है वो तो जानते ही होगा। सो कमेंट डाउन बिलो कौन कौन दिल्ली से है। सो यहाँ हम लोग, और यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी, लाइक लाइटनिंग्स वगैरह, इवन इंफ्रा भी बहुत अच्छा था। और यहाँ हमारी चाउमीन आ गई थी और इतनी अच्छी प्लेट में, सर्विंग प्लेट में लोगों ने दी थी, एक की का स्ट्रक्चर था उसमें दिया था। और यहाँ हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिली जो थी, और वहाँ हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिली थी जो कि पान ग्लूकोन से मिली हुई थी, बनी हुई थी। और मुझे स्टार्टिंग में ये लग रहा था ये है क्या, लाइक चटनी जैसी ये लग क्या रही है मतलब। फिर हम यहाँ आ गए थे कमला नगर, यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्ट्रीट शॉपिंग करी। और फिर लाइक मुझे और मेरी फ्रेंड को वो लेना था, ट्राउज़र पैंट्स लेने थे, तो यहाँ हमने थोड़ा सा शॉपिंग करी। और फिर एक तो धूप इतना मज़े ले रही थी ना हमारे, इतनी तेज़ धूप हो रही थी समझ ही नहीं आ रहा था कि जाएं या शॉपिंग करें यहाँ से। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े एंड ये मार्केट कमला नगर है, जो कि मोस्ट फेमस है। मोस्टली यहाँ पे एथनिक वेयर बहुत अच्छा मिलता है, लाइक मुझे अच्छे लगते हैं यहाँ के एथनिक वेयर जो कपड़े होते हैं, और बाकी भी क्लोथ्स अच्छे होते हैं। और यहाँ पे इंसेंस भी था जो, जिसमें हम लोग बाद में गए थे, आपको आगे दिखेगी वीडियोस की भी। सो कौन कौन यहाँ से है दिल्ली से जो कमला नगर से बिलोंग करता है, GTV नगर रहता है, कमेंट डाउन बिलो। एंड यहाँ मैं एक छोटी सी क्लिप ले रही थी, और यहाँ हम जा रहे थे इंसेंस। मुझे इंसेंस के क्लोथ्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इंसेंस जाती हूँ मोस्टली, कभी कभार वहाँ का स्टॉक अच्छा आ जाता है। और फिर यहाँ पे कुछ लोअर्स वगैरह भी दिए हुए थे, और अच्छा मार्केट है, आप लोग शॉपिंग कर सकते हो जो भी दिल्ली से है यहाँ। और ये बट अफसोस मैं ये सारी कुर्तियाँ नहीं ले सकती हूँ, तो इनमें से मैंने 2-4 कुर्तियाँ सेलेक्ट की थी। एंड आई डोंट नो वाई यार, ये चिकनकारी कुर्तियों की प्राइस इतनी हाई की होती है। आई नो दैट कि ये हैंडमेड होती है, बट स्टिल बहुत हाई प्राइस होती है, तो ठीक है लेंगे, सारी भी लेंगे किसी दिन। यहाँ मुझे ग्रीन पैरेट कलर अच्छा लग रहा था, और एक और कलर था स्काई ब्लू कलर, पता नहीं कुछ टाइम से मुझे ये स्काई ब्लू कलर क्यों अच्छा लग रहा है। मुझे ये लेना था पर इसमें साइज़ मेरा था नहीं, बट ठीक है अगली बार लेंगे। और यहाँ मैं थोड़ा सा, हम लोग आगे गए तो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रीट शॉप थी, वहाँ मोस्टली नया कलेक्शन आता रहता है। यहाँ मेरी फ्रेंड ने कुछ कैप्स वगैरह ली थी, तो कैप्स वगैरह ट्राई कर रही थी, उसको अपने भाई के लिए लेनी थी। देन और यहाँ मुझे ये ब्राउन कलर की कैप बहुत अच्छी लग रही थी, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। आई डोंट नो मैं इतना ब्राउन कलर से क्यों इतना ऑब्सेस हो चुकी हूँ, हमेशा जब भी जाऊँगी कुछ भी चीज़ मुझे मोस्टली ब्राउन कलर पसंद आएगा, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। बट मुझे इसका साइज़ छोटा लग रहा था इसलिए मुझे फ़िट नहीं आया। फिर यहाँ अगेन मैं एज़ यूजुअल क्लिप लेती हुई मिली हूँ। यहाँ हम आ गए थे इंसेंस, और यहाँ कुछ नए कलेक्शन, पहले से बहुत बेटर हो चुका है इंसेंस यहाँ का, और कुछ नया कलेक्शन भी था। मुझे यहाँ पे मोस्टली लाइक शर्ट्स वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे टॉप वगैरह अच्छा नहीं लगता यहाँ का। यहाँ हम लोग देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे कुछ आ जाए पसंद।
हम यहाँ देख रहे थे, ये कुछ अच्छा लग रहा था, ये टॉप क्रोसिया से बने हुए हैं आई थिंक, और ठीक थे, लाइक समोस के लिए बेटर टॉप मिल रहे थे यहाँ पे, मुझे ये टॉप अच्छा लगा था। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा थोड़ा लूज़ फिट पसंद है, टॉप वगैरह या कुछ भी लाइक। एंड देन हम यहाँ शर्ट वाले सेक्शन में आ गए थे, और यहाँ बहुत सारी शर्ट्स थी, प्रिंटेड शर्ट्स थी जो मुझे अच्छी भी लगती हैं, एंड ट्रांसपेरेंट और नेट वाली शर्ट्स भी थी, काफ़ी अच्छी शर्ट्स थी, मुझे अच्छा लगा, लाइक इन सेंस इज़ गुड।